नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों। कानपुर के एक सरकारी अस्पताल से एक महीने में 3 बार एक ही जगह से बाइक चोरी होने से पुलिस पर सवाल खड़े हो गए हैं। इस चोरी की घटना से अस्पताल के कर्मचारियों और तमीरदारों ने पुलिस पर नाराजगी व्यक्त की है। दरअसल कानपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत उर्सला अस्पताल में अप्रैल माह में 5/8/23 तारीख को बाइक चोरी हो गई थी, जिस घटना का सीसीटीवी भी है। चोरी हुई सभी बाइकें अस्पताल के कर्मचारियों की ही है। वहीं पुलिस सीसीटीवी की मदद से चोर को पकड़ने और चोरी हुई बाइक पकड़ने का प्रयास कर रही है। इस संबंध में एसीपी कोतवाली अर्चना सिंह ने बताया कि पीड़ितों की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर सीसीटीवी और अन्य माध्यम से चोरों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है और अस्पताल परिसर में हाई टेक्नोलॉजी के सीसीटीवी कैमरे लगवाने के लिए भी आग्रह किया गया है। इसके साथ ही 3 बार लगातार घटना से पुलिस की पहरा और भी सख्त कर दिया गया है ताकि दोबारा ऐसी घटनाएं न हो। क्या नाम है आपका? मैं विनोद कुमार। क्या मामला है? उर्सला अस्पताल में बिलिंग काउंटर में कार्यरत हूँ और पहले से ही मेरी गाड़ी यहाँ खड़ी हो रही थी। दसियों साल से यहाँ गाड़ी खड़ी कर रहे हैं और मेरी गाड़ी 5 अप्रैल को यहाँ से चोरी चली गई है 2:15 बजे के लगभग। सुबह आता हूँ, 8 बजे गाड़ी खड़े कर देता हूँ और लगभग 2:30 बजे के लगभग यहाँ से जाता हूँ। आपने शिकायत की थी? हाँ, मैंने FIR की है। पुलिस के चक्कर लगाता रहा हूँ, FIR दर्ज हुई है और अब मेरी गाड़ी अभी तक का कोई पता नहीं है, अभी तक भी लाख पता है। और लगभग मेरी गाड़ी 5 तारीख को 5 अप्रैल को चोरी हुई थी। 5 अप्रैल के बाद 8 अप्रैल को ये माधव भाई खड़े हैं, इनकी गाड़ी चोरी हो गई और कल विनायक देसाई हैं, इनकी गाड़ी चोरी। सभी लोग यहाँ के स्टाफ एक ही जगह से गाड़ियाँ उठी? हाँ हाँ, एक ही जगह। ये पूरी पट्टी में स्टाफ की गाड़ियाँ लगभग खड़ी हैं, ज़्यादा आधी गाड़ियाँ स्टाफ की हैं। हाँ, यहाँ कैमरे लगे हैं के बावजूद भी गाड़ियाँ चोरी हो रही हैं और कैमरे में देखा CCTV रिकॉर्डिंग देखी गई है, उस रिकॉर्डिंग में बंदा दिख रहा है, मास्क लगाए हुए। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि हम लोग सर्च कर रहे हैं, दिखवा रहे हैं, पता करवा रहे हैं, गाड़ी मिल जाएगी तो आपको पता कर देंगे। सूचना है आपका? मेरा नाम कृष्णा माधव है, मैं उर्सला अस्पताल में स्टाफ नर्स के पद पे कार्यरत हूँ और दिनांक 8 तारीख को सुबह 2 बजे के पहले मेरी गाड़ी 8 से 2 के बीच में ड्यूटी थी और जब 2:30 बजे समथिंग 2 बजे के बाद आया हूँ तो यहाँ से गाड़ी मेरी जा चुकी थी। जब हमने देखा, जाके कैमरा में देखा, उसमें काफ़ी शकल साफ नज़र आ रही है और लेकिन अभी तक सूचना पुलिस के आधार पर अभी तक कोई ऐसा कुछ हमें प्रूफ नहीं मिला है कि जिससे गाड़ी अभी मिल सके। आश्वासन दिया गया है कि 2-4 दिन देखते हैं, 8 दिन देखते हैं और समथिंग 15 दिन होने जा रहे हैं। यहाँ शक क्या, हमने इतना ध्यान नहीं दिया किसके ऊपर शक करें या किसके ऊपर ना करें, ऐसी कोई जानकारी नहीं। फुटेज में चोरी करने वाला कैसा था? फुटेज में चोरी करने वाला नया लड़का है, 20-25 साल के आसपास है समथिंग, और रुमाल का इस्तेमाल ज़्यादातर किया उसने, कहीं गाड़ी का लॉक तो। मेरा नाम विनायक देसाई है, मैं उर्सला में BST रूम में नौकरी करता हूँ। क्या समस्या है? कल हमारी गाड़ी 23 तारीख को यहाँ से उर्सला OPD रैम के पास से गाड़ी चोरी हो गई है। तो आपने कोई शिकायत की कहीं? अभी हमने उर्सला चौकी में और थाना कोतवाली में एक प्रार्थना पत्र दिया है, उन्होंने 24 घंटे के लिए बोला है FIR करने के लिए। बताया जा रहा है यहाँ पे कई गाड़ियाँ चोरी हुई। यहाँ पे इससे पहले 2 गाड़ियाँ चोरी हो गई हैं, विनोद कुमार की 5 तारीख को गाड़ी चोरी हुई है, 8 तारीख को माधव की गाड़ी चोरी हुई है। पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन मिला है? पुलिस कह रही है हम देख रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, बाकी अभी कुछ वैसा कुछ निर्णय नहीं निकला है कि जिससे हमारी गाड़ी तो कल चोरी हुई, इनकी गाड़ी तो पहले चोरी हुई, इनकी तो मिल जानी चाहिए अब तक। ये उर्सला हॉस्पिटल से चोरी की घटनाएं मोटरसाइकिल चोरी की हुई हैं, उसके संबंध में 3 प्रकरण में अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है और टीम लगा दी गई। CCTV फुटेज के आधार पे अभियुक्त को पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। शीघ्र ही घटनाओं का अनावरण कर बाइक बरामद की जाएगी तथा अभियुक्तों को जेल भेजा जाएगा। जी बिल्कुल सही बात है, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये चोरियाँ ना हो और CCTV कैमरा जो वहाँ लगे हैं वो अच्छी क्वालिटी के नहीं है, तो हम और भी कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ जो ऐसे एरिया हैं जहाँ पे कैमरा नहीं है वहाँ कैमरा भी लगवाएंगे और अपनी गश्त इसको स्ट्रॉन्ग करके ये चोरी की घटनाओं को रोकने का प्रयास।